क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाइए। ए आर लिमिटेड लार्ज कैपिटल मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन बीएसई इन इंडिया विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। तो यहाँ पे सम्स में फेस वैल्यू हम लोग को सबसे पहले दे रखा है 100%। उसके बाद द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 15% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। तो यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, ग्रोथ कितना परसेंट, 15% होने वाला है, और कितने ईयर तक, फॉर 4 ईयर। तो इस तरह से 4 ईयर तक यहाँ पे ग्रोथ कितने परसेंट से होने वाला है, 15% से, एंड देन 5% फॉर इनडेफिनिट पीरियड। तो यहाँ पे 5% से होने वाला है बाकी पीरियड के लिए, जो भी पीरियड है उसके लिए 5% से होने वाला है। द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे केई कितना आ गया, तो केई हम लोग के पास आ गया 20%। शेयर होल्डर जितना एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से वो क्या आ जाता है, तो वो आता है केई, उसे बोला जाता है। एंड उसके बाद सम्स में क्या दे रखा है, द कंपनी पेड ₹120 एज अ डिविडेंड पर शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 में। तो 2021 में कितना पे कर रहा है, तो 120 एज अ डिविडेंड पे कर रहा है। उसके बाद द शेयर्स ऑफ अ कंपनी ट्रेडेड एट एवरेज प्राइस ऑफ 3122 ऑन लास्ट डे। तो लास्ट डे में शेयर का प्राइस कितना था, तो 3122 था। उसके बाद सम्स में क्या बोल रहा है, तो फाइंड आउट द इंट्रेंसिक वैल्यू। तो हम लोग को निकालना है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ पर शेयर एंड स्टेट वेदर द शेयर आर ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइज्ड। तो हम लोग को बताना है कि शेयर ओवर प्राइज्ड है या अंडर प्राइज है, ये भी हम लोग को सम्स में बताना है। तो आ जाइए आप लोग कॉपी में, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर सिक्स। सबसे पहले सम्स में क्या दे रखा हुआ है, तो सम्स में जो जो दे रखा हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। तो सम्स में सबसे पहले हो गया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू शेयर का कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ है हम लोग के पास 100 दे रखा हुआ है। आगे हम लोग को दे रखा हुआ है फेस वैल्यू के बाद ग्रोथ दे रखा हुआ है 15%, तो जी हो गया 15% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। इस तरह से हम लोग का ग्रोथ हो गया 15%, और बाकी के लिए क्या है, नेक्स्ट के लिए कितना परसेंट है, तो बाकी के लिए है 5%। तो बाकी के लिए, बाकी ईयर के लिए 5% ग्रोथ हो गया। और सम्स में आगे बढ़ने से 120 हम लोग को क्या दे रखा होता है, 120 हम लोग को दे रखा हुआ है डिविडेंड। D0 या D1 कितना आ गया, 120 आ रहा है यहाँ, और उसके बाद 120, तो ये डिविडेंड आ गया। और डिविडेंड के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो ये डिविडेंड हम लोग का 0 ईयर का हो गया पहले। उसके बाद यहाँ पे 20% दे रखा है, रिटर्न दे रखा है, तो 20% यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे के ही हम लोग का आ जाएगा 20%। और तो सम्स में कुछ भी नहीं था, अब हम लोग को इंटेंसिव वैल्यू निकालना है पर शेयर का। तो चलिए हम लोग इंटेंसिव वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखिए, एक बार स्टार्ट कीजिए लिखना, एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल डिस्काउंट मॉडल। प्राइस कैसे निकालते थे इसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल में, तो D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE टू दी पावर 1, इस तरह से निकालते थे। फिर इस तरह से D2, क्योंकि 4 साल तक का दे रखा है, तो चारों साल का हम लोग लिखने वाले हैं, 1 प्लस KE टू दी पावर 2। फिर इस तरह से D3, 1 प्लस KE टू दी पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद D4, D4 में 1 प्लस KE टू दी पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ D4 के बाद, D4 तक तो हो गया, और D4 के बाद यहाँ क्या दे रखा हुआ है, जो परपेचुटी तक दे रखा हुआ है 5% ग्रोथ दे रखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, D4 के पास जाकर के D4 में हम लोग ग्रोथ ऐड करेंगे 1 प्लस जी। फिर डिवाइड में हम लोग करने वाले हैं KE माइनस जी, जो हम लोग का फॉर्मूला दे रखा हुआ था, जो गॉर्डन मॉड्यूल के हिसाब से जो हम लोग का फॉर्मूला दे रखा हुआ था, डी क्या था, D0 फिर इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय क्या था, KE माइनस जी था, बस वही हम लोग किए। एंड इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, जब भी डिस्काउंट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय KE से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE टू दी पावर यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा पावर में। इसे थोड़ा साइड कर दो, ये आ गया यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पावर में 4 आ जाएगा। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखिए फॉर्मूला में देखिए D1 बाय 1 प्लस KE आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकंड ईयर के लिए आ गया, फिर थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, एंड फोर्थ ईयर में जाकर के यहाँ पे ग्रोथ चेंज हो रहा था फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे D4 फिर 1 प्लस ग्रोथ कर दिए। D4 क्यों किया, तो क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर में जाकर के हम लोग एज्यूम करें ये क्या है, D0 है, एंड उसमें हम लोग ग्रोथ ऐड किए और डिवाइड बाय KE माइनस ग्रोथ कर दिए। तो ये हम लोग का गॉर्डन मॉडल के हिसाब से प्राइस का फॉर्मूला आ गया। एंड उसको भी हम लोग डिस्काउंट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो डिस्काउंट इसलिए हम लोग कर दिए, तो इसलिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE टू दी पावर 4 कर दिए। अब
D1 हम लोग को सबसे पहले कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो D1 हम लोग को दे रखा हुआ है कितना, तो ये दे रखा हुआ था 120, T0 जो दे रखा हुआ है 120, तो ये हम लोग का 120 आ गया। अब इसमें हम लोग को ग्रोथ ऐड करना, तो ग्रोथ कितना आ जाएगा 1.15, क्योंकि 15% के रेट से दे रखा हुआ था ग्रोथ, तो ये आ गया हम लोग के पास ग्रोथ का। एंड इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 1 प्लस KI, KI कितना सम्स में दे रखा हुआ, तो KI हम लोग के पास दे रखा हुआ 20%, तो ये आ जाएगा 0.221। ये हम लोग का आ गया इस तरह से। फिर इसी तरह से सेकेंड में जाएंगे, तो ध्यान दीजिए कैलकुलेटर कहाँ गया, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट टाइम में, ये 120 हम लोग को दे रखा हुआ था, 120 दे रखा हुआ था, इसमें 15% ग्रोथ ऐड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो 120 × 115%, ये आ जाएगा 138 हो जाएगा। तो इसे हम लोग करेंगे 115% कर दिए। ये बात आप लोग को समझ में आया, एक सेकंड फिर से रेज करके लिखता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर में जो था सबसे पहले D0 में था, तो उस टाइम में यहाँ पे डिविडेंड कितना दे रखा होता, तो यहाँ पे डिविडेंड दे रखा होता 120। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसे रेज कर दूंगा। 120 हम लोग को दे रखा था, ये था D0। फिर जब D1 का निकालेंगे तो इसमें ग्रोथ तो ऐड होगा 15% के रेट से, तो ये 120 में हम लोग क्या करेंगे, 120 में प्लस करेंगे 15%, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 138। इसके बाद हम लोग D2 के लिए, ईयर 2 के लिए हम लोग इसमें फिर से 15% ऐड करेंगे, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, 158.7 आ जाएगा। फिर इस तरह से D3 का, तो D3 के लिए हम लोग कितना आ जाएगा, 158.7 प्लस 15%, तो ये हम लोग का आ गया 182.505 आ गया। उसके बाद प्लस 15% करने से कितना आ जाता है, तो ये हम लोग का D4 के लिए आ गया 209.880, तो ये ईयर 4 तक के लिए हम लोग का आ गया। अब जो ईयर दे रखा हुआ था, जो हम लोग का ईयर दे रखा हुआ था, तो बस इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो ईयर हम लोग के पास दे रखा हुआ है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 इस तरह से दे रखा हुआ है, तो जो ईयर का दे रखा हुआ है उसमें हम लोग जो एडजस्ट करने के बाद होता है, जो ग्रोथ यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद, वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि कैसे D0 में आ रहा है 15% ऐड करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ तो आप लोग को अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 में 1 प्लस 15% के, तो हम लोग का ग्रोथ आ गया। अब सेकेंड टाइम में जब ये किए तो हम लोग का कितना वैल्यू आ जा रहा है, तो 120 प्लस 15% करने से कितना आ जा रहा है, तो 138। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 138। फिर इसमें भी हम लोग ग्रोथ ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर का था, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग ग्रोथ ऐड करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 प्लस 0.15 ऐड की। एंड इसके बाद 1 प्लस 0.22 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 में हम लोग करने वाले हैं, तो 3 में भी 138 में 15% ऐड करेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ गया 158.7। इसमें भी हम लोग को ग्रोथ ऐड करना होगा, 1.0.15 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद D4 के लिए हम लोग करने वाले हैं, तो D4 के लिए प्लस 15% करेंगे, तो ये आ जाता है 182.505। फिर इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे, तो 1.015 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.22 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो ये हम लोग आ गया प्लस, यहाँ पे जो D4 के बदले दे रखा था, तो D4 कितना आ गया, तो इसमें D4 हम लोग का कितना आ गया था ग्रोथ ऐड करने के बाद, तो 185, ये जो दे रखा हुआ 185 D4 में, इसमें ग्रोथ ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो इसमें भी हम लोग 15% ग्रोथ ऐड करने के बाद ये हम लोग आ गया फोर्थ ईयर के लिए, तो 209.88। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें भी हम लोग ग्रोथ ऐड करेंगे, कितना ग्रोथ ऐड करने वाले हैं, क्योंकि फोर ईयर के बाद 5% का ग्रोथ है, तो यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करने वाले हैं, 5%, तो 1 प्लस 0.05, ये आ गया डिवाइड बाय KI हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा था, KI हम लोग के पास 20%, तो 0.2 माइनस इस टाइम में ग्रोथ कितना दे रखा था, ग्रोथ हम लोग का दे रखा हुआ था 15%, तो ये 15% आ जाएगा ग्रोथ, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.22 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 4, बिकॉज हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, बस इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो
चलिए निकालिए आप लोग खुद से, इसका वैल्यू निकालिए खुद से, कैसे निकालना है। तो पहले नीचे वाला को आप लोग को सॉल्व करना है, जो नीचे वाला ये सब दे रखा हुआ है, एंड उसके बाद इसे एम प्लस में रख करके निकालना है। तो चलिए निकालिए आप लोग भी, और मैं भी निकाल रहा हूँ। तो ये आ गया 120, तो ये 138 आ गया डिवाइड बाय 1.0। ये आ गया हम लोग का 1.44 आ गया, 58.7 डिवाइड बाय मार्सिंग, ये आ गया 110.2। तो ये हम लोग आ गया, आप लोग मिला दीजिए एंड उसके ऐड कीजिए, तो ये कितना आता है 115 प्लस 110.2 प्लस 105.6 प्लस 101.2 प्लस 2125.5। तो ये हम लोग आ गया 2557.5। तो ये हम लोग आ गया, क्या चीज प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। अब सम्स में कितना मार्केट प्राइस दे रखा हुआ था जस्ट बिफोर डे में, तो यहाँ पे सबसे मार्केट प्राइस हम लोग को दे रखा है 3122। तो देखिए हाँ, अभी देख रखा हुआ था करेंट मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है कितना, तो 3122। और पहले से इसका जो वैल्यू अभी हम लोग निकाले तो उसके हिसाब से मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, तो 2557.5। तो कितना से ओवर वैल्यूड है, कितना से ये ओवर वैल्यूड है फॉर्म का शेयर, तो इसे माइनस करने के बाद हम लोग निकल जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद कितना निकल के आता है, तो ये आ गया 564.5 से ये ओवर वैल्यूड है, ये जो दे रखा हुआ है जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 564.5 से ओवर वैल्यूड है। बस इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इस सम्स को। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को दे क्या रखा हुआ था सम्स में, दे रखा हुआ था फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को तो वैसे भी कहीं जरूरत नहीं था। उसके बाद ग्रोथ दे रखा हुआ था 15%, सिर्फ 4 साल के लिए दे रखा था, कितने ईयर के लिए, तो 4 ईयर के लिए। उसके बाद बाकी जो परपेचुअल लाइफ के लिए है वो 5% डिस्काउंट दे रखा हुआ था, सॉरी ग्रोथ दे रखा हुआ था। उसके बाद डी जीरो हम लोग को दे रखा हुआ था, डिविडेंड एट करेंट ईयर के बिगनिंग में 120 दे रखा हुआ था, फिर के ई हम लोग को 20% दे रखा हुआ था। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉड्यूल के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, तो डी1 इस तरह से, D2 इस तरह से, D3 D4 क्योंकि 4 साल तक का दे रखा था, D4 तक ये। उसके बाद चौथा साल में जाकर के यहाँ पे डिविडेंड जो का जो ग्रोथ दे रखा होता वो 5% कंटिन्यूसली हमेशा के लिए दे रखा होता, तो इसलिए यहाँ पे D4 1+ ग्रोथ हो जाएगा डिवाइड बाय KE-G जो करंट के हिसाब से फॉर्मूला होता था, एंड उसे डिस्काउंट करने के लिए 1 डिवाइड बाय 1+ KE^4 से मल्टीप्लाई किया। एंड उसके बाद
हम लोग जो भी फॉर्मूला दे रखा था, फॉर्मूला में क्या दे रखा था, डी जीरो दे रखा था, कितना 120 दे रखा था। तो डी वन लाने के लिए हम लोग को, डी जीरो से डी वन लाने के लिए हम लोग को ग्रोथ ऐड करना होगा, इसलिए हम लोग डी जीरो ये आ गया। देखिए डी वन को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, डी वन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो डी जीरो फिर वन प्लस ग्रोथ लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया गया है, डी जीरो कितना है 120 एंड उसके बाद वन का वन एंड ग्रोथ कितना आ गया 15%। इस तरह से ग्रोथ हम लोग 4 साल तक दे दिए एंड फिफ्थ ईयर में जा करके, जो फिफ्थ ईयर का जो भी था उसमें जा करके हम लोग क्या किए, सिर्फ 5% ग्रोथ दिए, बट यहाँ पे जो नीचे वाला ग्रोथ था, जो नीचे वाला ग्रोथ था वो हम लोग कितना लिए 15% लिए हैं एंड उसके बाद डिस्काउंट किए। डिस्काउंट करने के बाद हम लोग का ये आ गया था 1, 2, 3, 4 साल के लिए एंड जो हम लोग का लास्ट का दे रखा हुआ था परपेचुटी का, उसका भी हम लोग को वैल्यू निकल के आ गया। इस तरह से टोटल हम लोग ऐड किए तो हम लोग का कितना आ गया शेयर प्राइस, तो ये आ गया 2557.5 एंड ये माइनस करने के बाद, करेंट मार्केट प्राइस से माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे 564.5 से ओवर, यहाँ पे क्या था, ओवर वैल्यू था शेयर प्राइस। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? और इसी के साथ हम लोग का ये जो इलस्ट्रेशन नंबर कितना था 6 था वो कंप्लीट होता है और इसे आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करना है खुद से। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।